हमारी प्रैक्टिकल फाइल, मैंने इसमें बटर पेपर और ट्रांसपेरेंट पेपर यूज़ किया है। ये हमारा बटर पेपर हो गया, और ये हमारा ट्रांसपेरेंट पेपर है जिसमें मैंने ये पेंटिंग बनाई, और इस पर मैंने ये स्टोन्स चिपका दिए हैं। ये पेंटिंग ग्लास पेंटिंग कहते हैं, ग्लास पर बनाई जाती है, बट ये मैंने ट्रांसपेरेंट शीट पर बनाई है, और इसमें मैंने वो ग्लास कलर फिल करे हैं। उसके बाद सूखने के बाद मैंने इस पर स्टोन्स चिपका दिया, आप देख सकते हो। और ये मेरा बॉर्डर है जो मैंने अलग से बना के चिपकाया, आप देख सकते हो ये अलग से चिपकाया है। उसके बाद मैंने ये चिपकाया, इस पर मैंने कलर कर दिया है और नेम्स लिख दिए हैं, जैसे आपको जो लिखना है वो लिख दिए हैं। ये मैंने अलग से चिपकाया है, आप चाहो तो एक ही में चिपका सकते हो। फिर यहाँ मैं पे मैंने पेपर यूज़ किया, ये मैंने इंडेक्स के लिए बनाया है। यहाँ पे मैंने साइड्स को कटिंग कर लिया है, आप देख सकते हो। यहाँ मैंने डिज़ाइन बना के ग्लिटर चिपकाया है दोनों साइड, और ये मैंने चिपका दिया है। पहले हर शेप बनाया, ऐसी फाइल बनाई, यहाँ की मेरे स्टॉल छूट गए हैं, यहाँ पर चिपका सकते हो। ये मेरा इंडेक्स है जहाँ मैंने अभी लिखा नहीं है, आप इसे देख सकते हो। ये मेरी कॉपी जैसी बन जाएगी, देखो यहाँ हम इंडेक्स लिख सकते हैं। ये मैंने ट्यूब से चिपका दिया है, टेप से, जो हमारा टेप आता है। ये पेपर मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो। जैसे मेरा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने न्यूक्लिक एसिड लिखना है। यहाँ मैंने फ्लावर चिपका दिया है, और यहाँ पे मैंने साइड्स में ये दे दिया है। ये मैंने पेपर यूज़ किया कलरफुल, ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल होते हैं। इस पर मैंने हेडिंग लिखकर ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज़ किया है। फिर यहाँ पर मैंने ये बेल अभी काटी नहीं है, यहाँ पर आप चिपका सकते हो चाहो तो, नहीं तो सिंपल रहने दो। इसके बाद हम इसमें जो हेडिंग है हमारी वो दे सकते हैं। जैसे मेरी इंट्रोडक्शन न्यूक्लियोटाइड्स है, तो मैंने यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स लिखना है। सेम मैंने यहाँ पर कलरफुल पेपर यूज़ किया है, और हेडिंग लिखी है ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से, सब कुछ लिखा है। यहाँ मेरा डायग्राम था न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड में, तो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ फ्लावर कटिंग करके फ्लावर चिपका दिया, और ये एक स्टोन चिपका दिया, आप देख सकते हो। ये भी मार्केट में मिल जाते हैं। ये मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया, ब्लैक स्केच, और यहाँ हेडिंग लिख दिया। ये पेपर है, यहाँ हेडिंग लिख सकते हो आप। और यहाँ मैंने ये स्पार्कल्स पेन के ये मिल जाते हैं, स्पार्कल पेपर, यहाँ ये मैंने कटिंग करके, ये हमें ईजिली अवेलेबल होते मिल जाते हैं, ये मैंने चिपका दिया है। यहाँ मैंने सेम वो यूज़ किया जैसा मुझे करना था। फिर ये मैंने पेपर चिपकाया, यहाँ मुझे हेडिंग लिखनी है, वो हेडिंग मैं लिख दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी ऐसे यूज़ किया स्पार्कल पेपर, यहाँ मैंने ये कटिंग करके दोनों साइड चिपका दिया, और यहाँ मैंने आधा आधा बॉर्डर दे दिया है। यहाँ मैंने सेम लिखा है, ये मैंने डायग्राम बना दिया है, कलरफुल डायग्राम बना सकते हो आप। ये मेरा प्लेन पेपर है, आप चाहो तो इससे साइड्स में कटिंग कर सकते हो, या कोई बॉर्डर बना सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा। ये डायग्राम बना सकते हैं आप, मैंने ये सिंपल पेंसिल से बनाया, आप पेन से बना सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने पूरा बॉर्डर बना लिया है, यहाँ आप लिख सकते हो जो आपको लिखना हो। ये मैंने थंब पेंटिंग यूज़ किया, यहाँ मैंने ये अम्ब्रेला बना के स्पार्कल्स का यूज़ किया है कार्ड। यहाँ मैंने ये बेबीलॉजी लिखा है और बेबीलोग्राफी लिखा है।
यहाँ मैंने सेम पहले की तरह यूज़ किया, मैंने वहाँ एक बॉर्डर दिया था, मैंने यहाँ नीचे और ऊपर दो बॉर्डर दिए हुए देख सकते हो आप। और यहाँ मैंने रिबन चिपकाया इस टाइप से कटिंग करके, और इस टाइप से मोड़ का चिपकाया है मैंने। यहाँ मैं लिख सकती हूँ जो मुझे लिखना हो। ये हमारा अनाउलिजमेंट है। और इसके बाद ये मैंने बनाया है, ये मार्केट में बना हुआ मिलता है जिस पर आप ये चिपका, जैसे मैंने यहाँ शीट्स यूज़ की थी ब्लैक स्पार्कल वाली, ऐसे ये मिल जाता है जिस कलर का आप चाहो उस कलर का, उस पर आप बना के ही लिख सकते हो। बट ये मैंने कलर कर स्पार्कल ला के बनाया है और उस पर ये मैंने चिपका दिया है। आप चाहो तो इसे चिपका दोगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, पर मैंने चिपकाया था, मेरा छूट गया है। आपकी फाइल पूरी ना इसमें ना आ पाए तो आप इसे स्पाइरल करवा सकते हो, जैसे मैंने अभी नहीं करवाई है पर मैं भी करवाऊंगी। तो आपकी ये फ़ाइल 12th क्लास की कुछ स्टेप से हो सकती है। आई होप मेरा आइडिया आपको पसंद आया हो। सो थैंक यू।